सुसंस्कृत माणसं आपल्याला आजूबाजूला दिसली असती पण तसं आपल्याला दिसत नाही, कारण आम्ही समाजातला जातीवाद आजही संपू शकलेलो नाही. उलट असं म्हणता येईल की सुशिक्षित माणसांनी तो अधिक वाढवला की काय अशा प्रकारचा एक संशय आपल्या मनामध्ये निर्माण होतो. धर्मानं उच्छाद मांडला की सहिष्णुता वाढवली हा प्रश्नही आपल्याला आपल्या समाजाचा एक घटक म्हणून स्वतःलाच विचारता येतो. माणूस स्वतंत्रपणे विहार करतो की भीतीच्या सावटाखाली आजच्या तारखेत सुद्धा स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर सुद्धा आपण स्वतंत्रपणे विहार करू शकतो का की आपण भीतीच्या सावटाखाली आहोत असाही विचार आपल्याला करता येतो. अर्थात ती भीती वेगवेगळ्या प्रकारची आहे हेही आपण जाणून घेतलं पाहिजे. गाव उद्ध्वस्त केली आपण 75 वर्षामध्ये आणि आमचा गावगाडा आपण संपवून टाकला. माणसं रस्त्यावर आली, माणसांना आपण माणसाचे लोंढेच्या लोंढे आपण शहरात घेऊन आलो आणि ती माणसं आपण रस्त्यावर आणली. अक्षरशः या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण पाहिलं असेल की ही सगळी माणसं शहरातून जेव्हा आपापल्या गावी निघाली तेव्हा लोंढेच्या लोंढे आपल्याला दिसत होते आणि त्यांना जायला आपण व्यवस्था करू शकलो नाही. इतकी ती मोठ्या संख्येनं माणसं आपण रस्त्यावर आणलेली आहेत आणि जे गावांचं सक्षम होतं, जो गावगाडा आमचा सक्षम होता तो आम्ही प्रगतीच्या नावाखाली किंवा विकासाच्या नावाखाली संपून टाकलेला आहे. आणि जागतिकीकरणाच्या रेट्यामध्ये जे रोजगार जो आमच्याजवळ उपलब्ध होता तो सगळाच आमच्याकडून हिसकावून घेऊन नव्या दिशेनं वारं वाहतंय का या संबंधानं सुद्धा आपल्याला विचार करता येतो. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही देशाची एकूण संपत्ती केवळ 20% लोकांच्या हातात आहे आजही, आणि 80% लोक आजही गरिबीच्या खाईत जगतायत. अनेकांना आजही 2 वेळेचं जेवण पूर्णपणे मिळत नाही. आदिवासी पाड्यामध्ये तर कुपोषित मुलं आपल्याला आजही पाहायला मिळतात. म्हणजे नेमका कोणता विकास आपण साधलाय हाही विचार आपल्याला मागे वळून पाहताना करावा लागेल. देशाची अर्थव्यवस्था, देशाचं राजकारण, धर्मव्यवस्था, समाज व्यवस्था आजही विशिष्ट लोक आणि प्रस्थापित लोकच चालवतात. सामान्य माणूस या कशाच्याच केंद्रस्थानी नाही आणि मग त्या सामान्य माणसाचा विचार कसा होणार असाही प्रश्न आपल्याला विचारता येतो. आणखीन एक गोष्ट थोडीशी आशादायक जी आपल्याला दिसते आहे ती गोष्ट अशी दिसते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधान आमच्या समाजाला दिलं त्या संविधानामुळे दीन दलित आणि महिलांमध्ये विशेष करून परिवर्तन आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजे महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्यामुळे आमच्या शिक्षणाची, बहुजनांच्या शिक्षणाची दारं खुली झाली आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानामुळे या लोकांचे हक्क आणि अधिकार याविषयी जागृती निर्माण झाली. याबद्दल कोणतंही दुमत असण्याचं कारण नाही. परंतु आरक्षणामुळे किंवा त्या संविधानाच्या अधिकार आणि हक्कामुळे सत्ता मिळाली पण ती कुणाला मिळाली नेमकी, म्हणजे सत्तेचे केवळ कळसूत्री बाहुले होऊन प्यादे होऊन त्या ठिकाणी या लोकांना बसवण्यात येतं आणि शेवटी प्रस्थापितच ही सत्ता चालवतात असंही आपल्याला दिसतं. महिलेची सत्ता येते कोणत्या ग्रामपंचायतमध्ये किंवा कुठे सभापती त्या होतात, परंतु त्यांचा जो पती आहे तोच सभापती होतो आणि ही सगळी व्यवस्था तो चालवण्याचा प्रयत्न करतो. दीन दलित, महिला, अल्पसंख्याक यांच्यावरचे अत्याचार कमी झालेत का हाही विचार आपल्याला करावा लागेल. आणि जर ते झाले नसतील तर मग आपल्याला त्या संबंधानं सुद्धा विचार करावा लागेल. समाज मन जर कलुषित झाला असेल, दूषित झाला असेल आणि सामाजिक स्वास्थ्य जर धोक्यात असेल तर सामाजिक भान येण्याची निश्चितपणे गरज आहे मित्रांनो. आणि ते सामाजिक भान सगळ्यात आधी युवकांमध्ये येण्याची गरज आहे, कारण युवक हा देशाचा आधारस्तंभ असतो. तो उद्या देश चालवणार असतो, त्याच्यावरती जबाबदारी येणार असते त्याच्या खांद्यावरती, आणि म्हणून त्या अंगानं सुद्धा आपल्याला निश्चितपणे विचार करावा लागतो. आणि शेवटी हे सगळं जे काही चालू आहे
इवन ही व्याख्यानमाला सुद्धा ज्या अनुषंगाने चालू आहे, ज्या उद्देशाने चालू आहे, किंवा जे काही या सगळ्या करण्यामागे आहे, त्याच्यामधून एकच गोष्ट मला आपल्या सर्वांपर्यंत घेऊन जायची आहे मित्रांनो, की जागृती तर आमच्या युवकामध्ये आलीच पाहिजे, उत्तरदायित्वाची जाणीव सुद्धा झाली पाहिजे, पण आपणही आपण वेगवेगळ्या कप्प्यामध्ये वागत असताना आपण कोणत्या तरी जातीचे, कोणत्या तरी धर्माचे, कोणत्या तरी पंथाचे, कोणत्या तरी प्रांताचे अशी भूमिका घेऊनही जगत असतो, तर अशी भूमिका न घेता आपण या देशाचे, आपण आपल्या एका समाजाचे आणि एकत्रित येऊन निश्चितपणे विकासाच्या दिशेने मार्गक्रमण केल्याशिवाय आणि माणसाला माणूस पण आपण जोपर्यंत देणार नाही तोपर्यंत आमचा समाज सक्षम होऊ शकणार नाही. आणि त्याचसाठी हा अट्टहास आहे मित्रांनो, ही व्याख्यानमाला सुद्धा त्याचसाठी आहे. आणि म्हणून एकच प्रार्थना आपल्या समोर ठेवतो आणि माझं हे मनोगत स्वागत या ठिकाणी संपवतो, की ही सामूची प्रार्थना आणि हे सामूचे मागणे माणसाने माणसाची माणसासम वागणे असं व्हावं, असं चित्र निर्माण व्हावं, प्रत्येकाला आपल्या हक्क आणि अधिकाराची जाणीव व्हावी, प्रत्येकाला आपलं उत्तरदायित्व कळावं, कर्तव्याची जाणीव व्हावी आणि त्यातूनच चरित्र निर्माण व्हावी, नवा समाज निर्माण व्हावा आणि नवा समाज निर्माण झाल्याशिवाय नवा देश निर्माण होऊ शकत नाही. पुनश्च एकदा आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष, आमचे मार्गदर्शक, व्यवस्थापन परिषदेचे राज्यपाल नियुक्त सन्माननीय सदस्य आणि सामाजिक कार्यामध्ये अग्रेसर असणारे व्यक्तिमत्व आदरणीय किशोर शितोळे सरांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो आजच्या व्याख्यात्या. आणि साहित्यिक सामाजिक कार्यात ज्यांचं मोलाचं योगदान आहे अशा शशिकला राय, डॉक्टर शशिकला राय आपल्यामध्ये आज उपस्थित आहेत. अतिशय चांगलं चिंतन ते आपल्या समोर मांडतील अशी मला अपेक्षा आहे, त्यांचंही मनापासून स्वागत करतो. आणि गेल्या 5 दिवसापासून मी आदरणीय किशोर शितोळे सरांना जाणीवपूर्वक ही गोष्ट सांगेन की आपण पाहत असाल की अत्यंत बुजुर्ग माणसं सुद्धा, म्हणजे जे अगदी 80 त्या वयाकडं जी गेलेली माणसं आहेत, अशी माणसं, म्हणजे उदाहरणार्थ आमचे गुरुवर डॉक्टर चंद्रदेव कवडे रोज या व्याख्यानमालेचा लाभ घेत आहेत. आणि ही व्याख्यानमाला फेसबुक लाईव्ह सुद्धा आहे आणि त्याचा लाभ देश विदेशातील अनेक लोक घेत आहेत, याचा मला मनस्वी आनंद आहे. आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना निश्चितपणे आपण स्वतःच आकलन करावं आणि प्रत्येकानं हा आपला देश आहे, हा आपला समाज आहे आणि त्यासाठी आपलं काहीतरी कर्तव्य आहे ही भावना समजून घ्यावी, याचसाठी हा अट्टहास आणि त्याचसाठी ही व्याख्यानमाला. पुनश्च एकदा सर्व उपस्थितांचं मनापासून स्वागत करतो आणि माझं मनोगत संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. निश्चितच स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर आपण हा पुन्हा एक आढावा जो आहे तो निश्चितच घेतला पाहिजे की स्वातंत्र्यानंतर आपण आपल्या विकासाची दिशा आणि दशा काय ठेवलेली आहे. खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य जी गोष्ट आहे ती विविध पैलूंनी समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचलेलं आहे, की ती आहे त्याच विषमता कुठेतरी आपण बळकट केलेल्या आहेत नवीन स्वरूपामध्ये. याच्यासाठी मला वाटते व्याख्यान मला निश्चितच दिशादर्शक आहे, कारण स्वातंत्र्याचे राजकीय आर्थिक सांस्कृतिक पैलू आपण न अभ्यासता केवळ राजकीय स्वातंत्र्याने एक नवा समाज घडवणं जे आहे ते निश्चितच अशक्य ठरणार आहे. आजच्या जो आजच्या व्याख्यानाचा जो विषय आहे स्वातंत्र्यानंतरचे सामाजिक परिवर्तन, याच्यावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आजच्या व्याख्यात्या डॉक्टर शशिकला राय मॅडम यांना मी अशी विनंती करते की आपण आपले विचार ठेवावे. शशिकला राय मॅडम. नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, आ रही है मैम. नमस्कार, धन्यवाद निर्मला जी और सुधाकर सर ने तो मेरा सारा काम आसान कर दिया, उन्होंने लगभग पूरी रूपरेखा आप लोगों के सामने रख दी, तो मेरा काम बहुत कम हो गया.
सबसे पहले मैं बहुधा आयोजकों को धन्यवाद देना भूल जाती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस तरह का वाक्य मैं कभी बोलती नहीं हूँ, पर यहाँ इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि इतनी यूनिवर्सिटी मैंने देखी, भगत सिंह अध्यासन मैंने कहीं नहीं देखा। ये मुझे एक ललक थी, एक लालच थी। भगत सिंह के एक रोमांटिक इमेज लोगों के बीच में है, एक क्रांतिकारी रोमांटिक और फांसी के फंदे को चूमने वाला। भगत सिंह फिलोसफर है, भगत सिंह विचारक है, भगत सिंह चिंतक है, भगत सिंह लेखक है, भगत सिंह को शायरी से प्रेम है। इस तरह का भगत सिंह लोगों के सामने बहुत कम आए हैं और कोई यूनिवर्सिटी क्या भगत सिंह के इस चिंतन को, इस सोच को, इस लेखन को, इस खूबसूरती को धार देती है क्या? तो सचमुच होगा शायद कहीं अध्यासन, मैं नहीं जानती, पर मैंने जितनी यूनिवर्सिटी देखी है केवल औरंगाबाद यूनिवर्सिटी है जिसमें भगत सिंह अध्यासन चलता है। तो इसलिए औरंगाबाद यूनिवर्सिटी को मेरा सलाम। दूसरे क्रांति की क्रांति से एक मुलाकात है। एक क्रांति हमारी तरफ है सावित्री बाई, दूसरी क्रांति आपकी तरफ है भगत सिंह। इसलिए भी मुझे बहुत खूबसूरत संयोग लगा और मैं मार्गदर्शन नहीं करूंगी क्योंकि मैं एक नागरिक हूँ, एक शिक्षक हूँ। मैं साझा करूंगी जो कुछ मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया। हम मिलकर साझा करेंगे, हम मिलकर बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सभी यूनिवर्सिटियों को चिंतन करना चाहिए, या क्या यूनिवर्सिटी समाज से बाहर की चीज है, या यूनिवर्सिटी और समाज बिल्कुल एक तरह की चीज है। उनका चिंतन कहीं ना कहीं जोर, कहीं ना कहीं प्रतिरोध क्षमता गड़बड़ होती जा रही है। जिस तरह का सर ने सब जिक्र किया, इस सारी जो नाकामयाबियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, क्या उसके लिए हम लोग दोषी नहीं हैं? तो आओ मिलकर चिंतन करते हैं। उससे पहले दो लाइन भगत सिंह के बारे में, सिर्फ इतना कि जो उन्होंने 1931 में सेंट्रल जेल से पत्र लिखा था अपने भाई कुलतार जी को, तो पत्र तो नहीं, वो सब आप जानते ही हैं, बस जो नज्म उनको बहुत प्रिय थी वो मुझे भी प्रिय थी। जैसे सर ने बहुत अच्छी प्रार्थना की लाइन बोली, ये मेरी भी बहुत प्रिय लाइन है जो मराठी स्कूलों में गाई जाती है, मनुष्य को मनुष्य के साथ मनुष्य की तरह रहने आना चाहिए। हम लोगों में वही नहीं है, मनुष्य मनुष्य के साथ मनुष्य की तरह नहीं रहता है, बाकी वो हर तरह रहता है। तो उनकी बहुत प्रिय नज्म थी, वो लिखते हैं, उसे फिक्र है हरदम नया तर्जे जपा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम इम्तिहा क्या है। दहर से, ये मेरे बहुत प्रिय दो पंक्तियां हैं, दहर से क्यों खपा रहे, चरख से क्यों गिला करे, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। तो बहुत मन ये कि आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूँ अहले महफिल, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते इस लाइन को पढ़ते हुए, कि कोई दम का मेहमा हूँ अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है पानी रहे न रहे। अच्छा खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं, हिम्मत से रहना, नमस्ते तुम्हारा भाई भगत सिंह। तो जो लड़का व्यक्तित्व ने, जो लड़का 23 साल का, ये लिखता है कि चरागे सहरा हूँ बुझा चाहता हूँ, वह चरागे सहरा दिन में भी जलता रहा, रात में भी जलता रहा, हमारे विचारों में भी जलता रहा, हर जगह। और उसी सहरा को देखते हुए ऐसा लगता है कि नविकों में उस तरह का सपना बो दें, हमारी कोशिश वही रहती है। समाज के बारे में आइए सोचते हैं, एक लाइन मुझे सोचती है कि जैसे मुक्ति, छोटा सा शब्द बड़ा सा मतलब। अब शंकराचार्य और अंबेडकर के लिए मुक्ति शब्द का एक ही अर्थ है क्या? गार्गी मैत्रेयी के लिए और सावित्रीबाई फूले के लिए मुक्ति का अर्थ एक ही है क्या? तो जैसे ही हम इस चीज की तरफ देखते हैं, वैसे हम अपने समाज की तरफ देखते हैं। तो आजादी को मैं गी चतुर्वेदी की एक पंक्ति देती हूँ कि मैं आधी समझी गई पंक्ति हूँ। आजादी क्या है? आधी समझी गई पंक्ति है, अभी आधा काम बाकी तुम्हारा है। जी हाँ, आजादी आधी समझी गई पंक्ति है। 7.5 दशक में भी, 75 साल की उम्र में भी आजादी आधी समझी गई पंक्ति है।
बाकी का आधी आजादी जिस समाज को समझना है उसकी डिक्शनरी से यह शब्द छीन लिया गया है। इसलिए मैं फिल्मी तर्ज पर यह भी नहीं कह सकती कि ऐसी बकवास डिक्शनरी कहाँ से खरीदी, क्योंकि हम जानते हैं डिलिबरेटली जानते हुए बूझते हुए आजादी शब्द को डिक्शनरी से हटाया गया है और जो पर्याय दिया गया है वो कुछ भी हो सकता है, आजादी नहीं हो सकती। मैं एक शिक्षक हूं, जैसे दुष्यंत कुमार कहते हैं ना, मैं गजल ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं पढ़ना और पढ़ाना ओढ़ती बिछाती हूँ, इसलिए मैं शिक्षक हूं। मैं मुर्दाबाद शब्द नहीं कहती, मैं जिंदाबाद शब्द कहती हूँ। सब जिंदा सब आबाद रहे, मैं यही भाषा जानती हूँ, सारे लोग जिंदा और सभी के सभी आबाद रहे। मैं अपनी आंखें खुली रखती हूँ और जब मैं खुली आंखों से समाज को देखती हूँ, समाज के बदलाव को देखती हूँ, तो यह मेरी आंखें खोल देता है। आजादी के बाद भारतीय समाज में होने वाला बदलाव, इस विषय को जब सर ने मुझे दिया, मैं सोचती, एक रात तो मैंने सोचने में लिया कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, इसको समझ पाना, ऐसा कौन सा रिसर्च मैंने किया है, मैं कहां पैदल पैदल घूमी हूँ। मैं घूमी हूँ किसान आंदोलनों में, मैं नासिक से लेकर मुंबई तक बच्चों की परीक्षा, मेरा गला भर आता है कई बार कि बच्चों की परीक्षा का ध्यान रखते हुए किसान रात भर चलते थे, दिन भर नहीं चलते थे, आवाज ना हो, शोर ना हो, पैरों में छाले पड़ गए, मैं थी उनके साथ। समाज का बदलाव वो बता सकते हैं। मैं सूरत के व्यापारियों के साथ थी, तड़वी आत्महत्या कर रही थी तो मैं बोल पाई। मैं क्या अपने किसी बच्चे को, कोरोना पीड़ित बच्चों को बचा पाई? तो मैं सचमुच क्या हक रखती हूँ? फिर यही कहूंगी, जो पीड़ा मैंने महसूस की है, जो मैंने पलट कर अपनी उम्र से परे भी जाकर जिस चीज को समझने की कोशिश की है, जो भारत, जो हिंदुस्तानियत आपकी और मेरी दोनों की है, तो हम लोग उस बदलाव को देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि हमें दावा करते हैं कि हम पीढ़ियां गढ़ते हैं, हकीकत क्या है मैं उस पर बात नहीं करूंगी। आजादी के बाद का तो मैं सोचती रही और जितना सोचती गई उतना मेरे दिल दिमाग का फासला बढ़ता गया, उतना द्वंद बढ़ता गया। मेरा बहुत मन हुआ, जैसे सर ने कहा ना, मेरा बहुत आजादी के स्वतंत्रता के बाद बदलते समाज की तमाम अच्छाइयां आपको बताती चली जाऊं, लड़कियां की नाती चली जाऊं, ऐसा मेरा मन कह रहा था। पर मन की बात करने की छूट सबको कहाँ होती है साहब, आप जानते हैं मन की बात कौन करता है। तो ये दुनिया किस तरह की है, बदलाव कैसा है, हमारे उदय प्रकाश लिखते हैं कि हाथी को तौलिए से नहीं ढका जा सकता। जो सकारात्मक पक्ष तो लिया है, असफलताएं जैसा सर ने पूरा रेखांकित किया, वो हाथी की तरह है, तो उसे ढका नहीं जा सकता। मैं को पढ़ती हूँ 1942 में, सूक्ष्मदर्शी भाव डायर हृदय कपिल हृदय प्रधानमंत्री हमको मिला था, जिसका बड़ा विजन था। वो 1946 में लिखते हैं कि पंडित मेरी धमनियों में बह रहा, भारत मेरी धमनियों में बह रहा था, फिर भी मैं भी आलोचक की नजर से समझा, क्योंकि मुझे उसका वर्तमान पूरी तरह ना पसंद था। ये बदलने का जो सपना है, सही अवशेष थे जिनसे मुझे गहरी अरुचि थी। एक तरह से मैं भारत के नजदीक पश्चिम आया और उसे एक हमदर्द पश्चिम वाली निगाह से देखा। मैं भारत के नजरिए और चेहरे को बदलने के लिए बहुत बेताब, आतुर और बेचैन हो गया। मैं उसे आत्मिकता का लगातार पहनाना चाहता था, पर मेरे दिमाग में शंकाओं ने सिर उठा लिया। एक द्वंद होता है, तो इस तरह चाहते थे। लेकिन 1966 के बाद सर म्यूट कर दीजिए, कर दिया सर। 1970 में 46 से ठीक 1970 में हम देखते हैं
वेद में लिखता है जब हर तरफ जनता रोटी के लिए पुकार रही थी, 1970 की बात है, उस समय राष्ट्र के नेता शानदार दावत उड़ाते हुए सोने चांदी पीतल और लोहे के देवताओं की स्थिति में लगे हुए थे। ये फासला, ये बदलाव है। सोने चांदी और लोहे के देवताओं की स्थिति में लगे हुए थे, उसी क्षण एक पांच उंगलियां प्रकट हुई, दीवार पर कुछ लिखने लगी। राष्ट्र के नेताओं को लिखने वाले हाथ का केवल एक हिस्सा दिखाई पड़ा और उनका चैन चला गया और वे सोच में पड़ गए। तब राष्ट्र के नेताओं ने चीख कर ज्योतिषियों को, भविष्यवक्ताओं को बुलाया कि कोई तो इबारत पढ़े। सयानी लोग आए, कोशिश की, पर कोई भी इबारत नहीं पढ़ पाया, न ही वे राष्ट्र के नेताओं को उसका मतलब समझा पाए। ऐसा कोई नहीं मिला जिसके पास पढ़ सकने वाली नजर होती जो उसे समझ कर उसका मतलब बताकर साफ कर सकता। न वो नजर तब थी, न नजर अब है। यही कारण है कि 1970 में जिस चीज की पूजा होती थी आज भी उसी चीज की पूजा होती है। तब भी जनता रोटी के लिए चिल्ला रही थी, अब भी जनता रोटी के लिए चिल्ला रही थी। इतना ही नाइन, अरे आजादी अभी मिली ही तो थी। अब क्योंकि 1948 में कोई अन्ना भाऊ साठे जैसा व्यक्ति जुलूस निकालता और कहता है देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, इस पूरे के पूरे दो लाइनों को मैं लाल में परेश्वरनाथ रेणु कोट करते हैं, तो हमारे पास सपनों की तरह एक ताश का महल था, सब कुछ अपना होगा, सब मिल जाएगा, और अचानक जैसे वो ढहने लगा, अचानक जैसे समाज, जो समाज की खुशहाली थी, कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से सेंध लगने लगी थी। तो इस इबारत को कोई पढ़ ही नहीं पाया। दो समय के बीच का अंतराल अगर आप देखते हैं तो आपको विजन में और हकीकत में पता चलता है दावे क्या थे और हकीकत क्या, वो आप अनुमान लगा सकते हैं। आप समय की पीठ देख करके समय का चेहरा पढ़ सकते हैं। हम लोग समय की पीठ देख रहे हैं ना 75 साल की, तो हम समय का चेहरा पढ़ सकते हैं, इसीलिए तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आजाद भारत के बाद भारतीय समाज की जो रचना हुई अशांत थी, पेचीदा थी, निर्णायक घटनाओं के साथ हुई। ये वो भारत नहीं था जो गांधी का भारत था, ये वो भारत नहीं था जो शहीद के सपन जिनके लिए हम लड़ रहे थे। हम सब जानते हैं, हम सब लाशों के दर्द के स्थापन के अंधकार के ढेर बन गए थे। सबके पास दर्द था, शक था, नफरत थी, शंका थी, घृणा थी, विद्वेष था और शरणार्थी होने का दर्द था। एक बहुत बड़ा किस्सा था। ये आजादी के महत्वपूर्ण दर्शकों की तरफ देखते हैं तो ठीक है, सब ने कहा उसी तरह से स्त्रियां नहीं, किसान किसान नहीं, दलित भी वो दलित नहीं, मुस्लिम भी वो मुस्लिम नहीं, आदिवासी भी वे आदिवासी नहीं। निर्णय लेने में आप जल्दीबाजी ना करें, बहुत सकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाने वाला, वहाँ स्मगलिंग हो सकती है, वहाँ फायरिंग हो सकती है, लेकिन एक आदिवासी दातून तोड़ ले तो उसे पकड़ लिया जाता है। अलग टाइम क्योंकि हम पर्यावरण या इस तरह की कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, तो अलग मतलब स्थितियां बदली है, पर किस तरह से बदली है, देश की और रोकता कौन है, रोड़े अटकाता कौन है। अगर आप इस चीज को ध्यान दें तो भी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आंशिक रूप से चंद तबकों तक ये आजादी सिमट आई, लाभ उन्हीं के, सामाजिक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत उन्हीं के, संविधान को बहुत साफ करता है, लेकिन आजादी के जो घोषित मूल्य है ये सब उनके पक्ष में चले गए। हम किसी भी उदात्त मान्यताओं के खड़े नहीं उतरे, और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरा क्लास में बड़ा वकील है, मैंने उससे प्रश्न पूछा न्याय मिलता है क्या, उसने कहा एक शर्त पर न्याय मिलता है, जब दोनों पक्ष गरीब हैं, दोनों ही रिश्वत नहीं दे सकते, दोनों ही न्याय नहीं खरीद सकते, तब ऐसी स्थिति में मजबूरन न्याय हो जाता है, जो अपराधी होता है उसकी सजा मिलती है। और मैं नहीं जानती सार्वजनिक जगह पे, पर मैं शिक्षक हूं, मुझे कहना चाहिए कि जब डीमोनेटाइजेशन चला तो 2 बजे के बाद अदालतों में कोई भी जज नहीं मिलता था,
वह अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे थे और जिस संविधान में सब कुछ समानता का अवसर और सारी खूबसूरत चीजें लिखी हुई है, जो हमारे भारत की सबसे महत्वपूर्ण किताब है, उस किताब की धज्जियां एक हवलदार भी उड़ा सकता है। हम सारे जैसे पढ़े लिखे लोग भी हम चौकी में गए तो हमारी आंखें फटी रह जाती है। ये सब हमारे सामने होता है, तब सोचिए जो बोल भी नहीं पाता, जो पढ़ भी नहीं पाता, वो आरटीए का फॉर्म भरेगा, वो मानवाधिकार आयोग को लिखित शिकायत देगा, आयोग को वहां तक पहुंचना चाहिए। जिसको हमने आपने बताया कि 80% लोग पढ़े लिखे लोगों, 20% का भारत कहाँ है? और 80% में केवल 10% लोग हैं जो इन सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी लोग तो हमारे उदात्त मूल्य, हमारे संविधान की खूबसूरती कहाँ है? क्या तुम एक हवलदार को आप धज्जियां उड़ाते देख सकते संविधान की और हम लोग मुंह देखते रहते हैं? भाषा बदल जाती है, कोई बहुत बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा और बढ़िया कपड़े वाला अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति के साथ आप पुलिस चौकी की भाषा देखिए और एक गरीब भाजी बेचने वाले के साथ, फिर क्या ये बदलाव है? बदलाव हुआ होगा, सबके लिए एक जैसा नहीं है, समस्याएं सभी के लिए एक जैसी नहीं है। आप देखिए कोई गरीब एक, अरे यार टोकरी में 10 केला है, डंडा में मार करके एक हवलदार 5 केला ले लेता है। क्या इस तरह की घटनाओं से कभी आप रूबरू नहीं हुए? कभी आपने देखा नहीं? अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक। हम लोगों की भाषा वायु शास्त्र के साथ कैसी होती है और पीएम के साथ कैसी होती है? मनुष्य को मनुष्य के साथ मनुष्य की तरह रहने आना चाहिए। सबसे पहले तो ये परिवर्तन आना चाहिए आज में, जो हम लोगों में नहीं आता है। तो समस्या गरीबी, वंचना, बेरोजगारी, विषमता, आर्थिक स्थिति, नीतियां, राष्ट्रीय सामाजिकता, बढ़ती हुई कमजोरी, सांप्रदायिक जाति उन्माद के ज्वार, और इसमें सीमित आनंदवादी लोग हैं, संग्रहवादी लोग हैं, व्यक्तिवादी लोग हैं, तो उसमें नैतिकता और मूल्यगत गिरावट की ही बात नहीं कर रही हूं मैं। इसी दौरान सभी संस्थाएं इंक्लूडिंग एनजीओ, नेता, सोशल वर्कर, सभी के नेतृत्व तो खोखले और बेअसर हुए हैं समाज को बदलने में। कई कई सदियां एक भारत में जीती हैं, कई कई सदियां जीती हैं। दिक्कत क्या हुई? डॉक्टर मरीज हो गए और दवाएं जहर हो गई। भरोसा कहाँ करें हम? और एक बात और, पहले भी कहा मैंने कि भारत की समस्याएं सभी के लिए समान नहीं है। आम आदमी की बदहाली अधिकारहीनता का कारण मुख्यतः भारत के ही लोग हैं, अपने ही वर्ग के लोग, अपनी ही व्यवस्थाएं हैं। सामाजिक बदलाव की दिशा का संकेत संविधान में बहुत साफ तौर पर किया गया था। व्यक्तिवाद, मैवाद इतना घनघोर बड़ा, मेरा आदमी, और इसके मुझे, मैं क्यों माफी मांगू, सबसे घृणित उदाहरण शैक्षणिक संस्थान है, विश्वविद्यालय है। मेरी किताब, तेरी किताब, मेरा आदमी, तेरा आदमी, योग्यता का क्या होगा भाई? समाज बदलेगा कौन? कौन बदलेगा? हमारे यहाँ हम लोग किस तरह की बैठक, हम शिक्षक लोग, नेताओं की बात छोड़िए, हम इस तरह की बैठक लेते हैं कि योग्य को एलिमिनेट कैसे किया जाए, समाज बदल जाएगा? सारा दोष हम नेताओं को दें? 130 करोड़ जनता वाले देश में 40 करोड़ नेता को माइनस कर दीजिए, 90 करोड़ अच्छे होंगे तो देश की प्रवृत्ति बुरी नहीं हो सकती, समाज बदहाल नहीं हो सकता। रेशियो उल्टा हो गया है, गड़बड़ी 90 करोड़ लोगों में है। तो हम बड़े आसानी से राजनीतिक भ्रष्टाचार की ओर उंगली दिखा देते हैं, इधर उंगली दिखा देते हैं, आजकल तो पड़ोसी देश की ओर उंगली दिखा देते हैं। ये जो हम लोगों का दोहरापन है, हम भी आईने के सामने खड़े होंगे, अपराधी हम भी होंगे।
उतने ही अपराधी है। समाज अगर नहीं बदला है, आत्मविश्वास अगर हम लोगों में नहीं जगा पाए हैं, आप अपने हक की बात करते हुए या पुलिस थाने में जाते हुए काफी ये मत अगर हमें नहीं बता पाए हैं तो दोष हमारा भी है, ये हमको मानकर चलना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने दवा को जहर बनाया और डॉक्टर हमारे हमारे हम सब जो डॉक्टर हैं मन के, हम सब मरीज हैं, तो पहले हमें अपने मन का इलाज करना चाहिए। संविधान में तो कहीं कोई संविधान में किसी संशोधन की जरूरत ही नहीं है, बहुत खूबसूरत संविधान है। मैंने कहा ना सबसे महत्वपूर्ण किताब है, जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब है, साहब कौन है, ग्रंथ ही है, गुरु कौन है, ग्रंथ ही है, वैसे ही हमारे पास एक किताब है जिससे हम लोग खुद ही नहीं बदले, हम औरों की क्या अपेक्षा करते हैं। वो कोई मंदिर में रखने वाली पूजा की चीज नहीं है, वो आचरण में उतारी जाने वाली है। तो सामाजिक बदलाव की दिशा का जो संकेत संविधान ने किया हम लोगों ने नहीं माना। सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय हर नागरिक को प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी यह माना गया, लेकिन उसमें रोड़े किसने अटकाए, अपने लोगों ने। एक सामाजिक द्वंद है, न्याय का गला जब जिसको जितना मौका मिलता है न्याय का गला घोटने में चुकता नहीं है। जैसे सामाजिक न्याय की बात मैं कर रही हूँ, राजनीतिक न्याय की नहीं, तो देश की आंतरिक ताकतें देश के समाज के विकास को बाधा पहुंचाने में सबसे ज्यादा सक्रिय रहती हैं। न्यायपूर्ण व्यवस्था की बाधक यही ताकतें हैं, और सारा आक्षेप किस पर डाल दिया जाता है, तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है एक विस्फोट तक, फिर जनसंख्या को खलनायक की तरह प्रस्तुत करते हैं। मानिए मैं नहीं कहते कि जनसंख्या बढ़ा दो, लेकिन आप देखिए ना एक एलिट वर्ग है जिनके यहाँ एक बच्चे हैं, मेरे पिता के भी दो ही थे, एक बच्चे हैं दो बच्चे हैं, वो बहुत आसानी से थोप देते हैं कि सारा सारा गरीबी के लिए, बदहाली के लिए, प्रदूषण के लिए, बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है, गरीब लोग जिम्मेदार है। तो गरीब अपनी अवस्था के लिए जिम्मेदार है। एक बार जरा उन देशों की तरफ देखिए जो जनसंख्या में हमारे आधे भी नहीं है, क्या वो बदहाल नहीं है। अगर हम उनकी तरफ देखेंगे तो हमारा ध्यान असली समस्या की तरफ चला जाएगा, तब हम उसको सचमुच पहचानने लगेंगे। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जब तक आप उसको खलनायक बनाकर देखते रहेंगे तब तक हम कहीं ना कहीं, बीमारी कहीं और है, दवाई कहीं और खोज रहे हैं, इस तरह की होगी। तो अल्प विकास या अविकास की जिम्मेदारी गरीबों पर नहीं डाली जा सकती, नहीं डाली जानी चाहिए, समाज नहीं बदलेगा। बदलाव किस तरफ से हुआ है, गुरुओं की भीड़ बढ़ गई, धर्म गुरुओं उनकी लोकप्रियता बढ़ गई, कर्म कांड बढ़ता गया, धार्मिक स्थलों के निर्माण बढ़ते गए, अनियंत्रित भीड़ बढ़ती गई, हिंसा बढ़ती गई, अपराध बढ़ता गया, अशांति बढ़ती गई, और निज स्वार्थपरता का नंगा तांडव तो सबसे ऊपर है। धार्मिक उन्माद के नाम पर सत्ता सुन, यह बदलाव है या बदहाली है, यह आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मुझसे ज्यादा संवेदनशील लोग हैं। आप खुद देखिए, मैंने पहले ही कहा, अब आप ये कह सकते हैं कि मैम आपके राजनीति की, तो समाज किसे कहते हैं, आप दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं। मैं आज तक रस को लेकर के नहीं अलग कर पाई कि इसको आत्मा तो देह अलंकार कैसे है और रस आत्मा कैसे, और आत्मा देह को हम विच्छिन्न कैसे कर सकते हैं। तो समाज और राजनीति को अलग किया ही नहीं जा सकता। राजनीतिक नेतृत्व तो योजनाएं बनाता है और वही योजनाएं खा जाता है बकासुर की तरफ। तो चाहे उत्तर आधुनिकता हो जिसे आप पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, या उत्तर औपनिवेशिक दौर हो, हमेशा बुनियादी संघर्ष कभी उनके मुद्दे में शामिल ही नहीं था, पोस्ट मॉडर्निज्म में भी नहीं। आम आदमी का संघर्ष, आम आदमी की शिक्षा, आम आदमी की चिकित्सा कब बुनियादी प्रश्न बन पाए, कब इसके लिए हम लोग लड़े, कब हमारा मन खराब। मैं कभी कभी अपने विद्या हैरान रह जाती हूँ और अपने विद्यार्थियों से पूछती हूँ, जब किसी का बलात्कार होता है तो तुम्हारे अंदर तुम्हारा खून नहीं खौलता,
किसी मूर्ति का और किसी पशु का मैं नहीं कहती, हमदर्दी सभी के प्रति, सम्मान सभी के प्रति हो, पर जैसे उसके लिए आप खड़े हो जाते हैं, कभी किसी लड़की के लिए खड़े हो जाओ यार। निर्भया का उदाहरण मत दीजिएगा मुझे, कभी खड़े हो जाओ ना, नहीं दिखता है। भारत क्या हुआ, भारतीयता को एक बहुत संकीर्ण विद्वेषात्मक तरीके से इतिहास दिखाकर, और आप सभी लोगों के व्हाट्सएप पे इस तरह की चीजें, रविश कुमार हमारे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो इस तरह की चीजें दिखती रहती, इतना भ्रामक, इतना विद्वेष भरा। किस समय में हम जी रहे हैं और क्या हम समझ रहे हैं, तो ये हम देखते हैं 7.5 दशकों के हम अपने सामाजिक बदलाव को, फिर हमारे सामने एक फिजा पैदा की जाती बड़ी रुमानी कि सब कुछ सारा माधुर्य भारतीय समाज में हम लोगों के कानों में बिस्मिल्लाह की शहनाई की तरह माधुर्य भरता जा रहा है। और ऐसा तब होता है जब आप शॉपिंग के मॉल में जाते हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ खूबसूरत दिखता है, न कहीं गरीबी है, न कहीं बदहाली है, सब कुछ ढका हुआ है, ऐसा लगता है कि भारत यही है। भारत क्या है, इंडियन आइडियल है, यहाँ 5 साल के बच्चे को भी स्पेस है, हमारे समाज का बदलाव है। डांस वाला है, वो सुपर डांसर है, खतरों के खिलाड़ी है, तो हम लोग क्या खुश हैं, हम सब्जी वाले से सब्जी नहीं खरीदेंगे, हम मॉल में खरीदेंगे, हम हथेली के लिए भी पैसा देंगे। ये जो, और फिर हम क्या करते हैं, सारे नियम कानून, हम मध्य वर्ग के लोग हो गए, हम लोअर मिडिल क्लास की ओर ठकेल देते हैं, सब सब तुम्हारे लिए है, तो हमको नहीं दिखता है। लेकिन इसी माधुर्य को हम शिक्षक हैं, हम दरिद्रता को पढ़ते हैं। अब विखंडित कीजिए समाज के मूल टेक्स्ट को, आप विखंडित कीजिए, उलट करके देखिए, तो आपको क्या दिखेगा, दिखेगा इस मूल पाठ को, मूल टेक्स्ट को विखंडित करते ही जो समाज दिखेगा, स्त्रियों के चिथड़े होते शरीर दिखेंगे आज भी, किसानों के पैरों के छाले दिखेंगे अब भी, पायल तड़वी कहीं तो कहीं रोहित बेमूला, कहीं अखलाक तो कहीं पहलू की सिसकियां। और इतिहास, समाज के बदलाव का इतिहास का लेखन कौन कर रहा है, एक बूढ़ा कवि जो जेल के शिक्षों के पीछे रखा है, बरबर राव जैसा व्यक्ति। हम नहीं कर पा रहे हैं, वो कर रहा है। मुझे सचमुच, मुझे बात करनी थी इस पर, और मैं सर को सचमुच मैं आभारी हूं, कहीं तो पीड़ा बांटनी थी, घुट के मैं भी क्यों मरूं, मेरा अकेले का अपराध नहीं, आप लोगों का भी है। हम प्रतिरोध का सही स्वर तक नहीं निकाल पाते हैं, चुप चुप चुप, मेरा नुकसान हो जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा। अरे अमर होने कोई नहीं आया है, जानबूझकर मरेंगे भी नहीं, हम भगत सिंह भी नहीं हो सकते, हम गांधी भी नहीं हो सकते, पर हम तो हो सकते हैं ना, हम में हम वाला पंत विकसित होना चाहिए भाई। हम का कैसी परिभाषा हम गढ़ते हैं, 11 खिलाड़ी जीतते तो हम कहते हैं हम जीत गए, अगर 11 गांव डूब जाए तो हम कभी नहीं कहते हम डूब गए, ये फर्क है। 11 खिलाड़ी से भारत जीतता है, 11 गांव डूब जाए, 11 प्रांत डूब जाए, भारत नहीं डूबता है। किस दुनिया में रहते हैं आप लोग, क्यों नहीं दिल दुखता है, क्यों नहीं हम लोगों को करुणा उपजती है। तो मैं कभी इसलिए किसी भी नेता को गाली देने से पहले मैं सोचती हूँ मैंने क्या किया, मैं हम क्या कर रहे हैं। तो यह समय है सूचना विस्फोट का, ज्ञान का उत्पादन, पुनरुत्पादन, इतना कि अंबार इकट्ठा होता जा रहा है, जानते हैं ज्ञान का इतना अंबार अज्ञानता है, मूढ़ता है, भ्रम है, इतनी अतिरंजित मात्रा का ज्ञान कुछ नहीं, जिसको देखो वही कहता 5G 7G फलाना जी, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमसे हमको पता नहीं है लोगों का, हम अपने समाज में नहीं घूमते हैं, लेकिन हम 5G 7G 8G 9G की बात करते हैं। हम लोगों को, मैं कहती हूँ मैं अपने जनरेशन को जानना चाहती हूँ, नहीं जानती हूँ मैं। आप कभी अपने आसपास गांव के स्कूलों में गए हैं, बैठे हैं बच्चों के साथ, कभी आपने सोचा है इस देश में इतने सेक्स वर्कर हैं और
कोरोना काल में फिजिकल डिस्टेंस ने उनका क्या हाल किया होगा। ना ना, अश्लील बात है, एजुकेशन में तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए। मैंने उठाया तो मैं तो शरीफ औरत हो ही नहीं सकती, शरीफ आदमी लोग तो बोलेंगे ही नहीं, वो हमारे समाज के हिस्से नहीं है। यह बदला, इस तरह से हम शरीफ होते हैं दूसरों की चादरों पे दाग लगा के। जो 23 साल का बच्चा कर गया, उतना हमारे चिंतन में भी नहीं है, वो हमारे सोच में भी नहीं है। किस भारत का सपना पाल रहा था, 16 साल का बच्चा घर से निकला है, पहनने को जब लुंगी नहीं थी तो बड़े बड़े जो पगड़ी साफा बांधते तो वो लपेट लिया, बाल काट लिया। बहन रोई थी, भैया बाल नहीं काटना। बोले नहीं, मैं उस समय काटूंगा जब लोग बुरा नहीं मानेंगे, तब तक तेरा भाई इतना बड़ा हो चुका होगा कि बाल काटना लोगों को अखरेगा नहीं। रोते थे, आप जानते हैं क्यों रोते थे? हिंसा करते हुए हिंसा का समर्थन कभी उन्होंने नहीं किया। एक अहिंसक हिंसा वाला जीव, और मैं शांति पाठ करने वाले हिंसक जीवों को देखती हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बिना विपर्यय के, बिना विखंडन के, बिना तिरिदा को पढ़े समाज को नहीं समझा जा सकता, बिना चीजों को समझे नहीं समझा जा सकता। तो खुद देखिए, टेक्नोलॉजी ने संप्रेषण को कितना, हम आप बैठे हैं ऑनलाइन, संप्रेषण को कितना ज्यादा उत्पादन कर रही है, लेकिन इतना संप्रेषण का उत्पादन कर दिया कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से संप्रेषण ही खत्म हो गया। सबसे घनत्व तो रिश्ता पति पत्नी से भी ज्यादा प्रेमी प्रेमिका का होता है। ये दोनों भी अगर रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो एक दूसरे की आंखों में नहीं देखते हैं, अपने अपने मोबाइल में देख रहे होते हैं। यानी इतना संप्रेषण पैदा किया टेक्नोलॉजी ने कि सहज संप्रेषण गायब हो गया। ये बदलाव था 1980 के बाद, तो बहुत तेजी से परिवर्तन शुरू हो गया आधी की तरह। क्या हुआ? हम लोग अपने ऐतिहासिक जड़ों से उखड़ गए। लॉन्जाइनस पढ़ते हम लोग, उदात्तीकरण पढ़ते हम लोग, 2 नंबर 5 नंबर के लिए, जो हमारे भीतर का एक भारतीय गुरूर था हम लोगों को भारतीय होने पर। ऐसा नहीं कि हमारे भारत में, नेहरू जी कहते हैं ना, कुछ अवशेषों से मुझे भोर अरुचि थी, लेकिन फिर शंका सिर उठाने लगी। पलट कर देखते भक्ति आंदोलन को आप, कितना कुछ था भारतीय हम लोगों के पास गुरूर करने के लिए। हम उस आंदोलन सब, उसकी पूरी की पूरी बुनियाद ही जनतांत्रिक थी, सामाजिक थी, भक्ति आंदोलन की। हम लोग कहाँ खड़े हैं? हम लोग उखड़ गए उससे। कबीर, किसी की परवाह नहीं, तुलसी, सूर, रैदास, सभी को हम छोड़, रैदास गंगा के पास, गंगा तुम आओ मेरे पास, क्या स्वाभिमान था मीरा। और हम लोग अपने ऐतिहासिक जड़ों से उखड़कर हर आने वाले जाने वाली हवा को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम लोग मुजरा वाले लोग हैं, काम बनता हाँ जी। अरे हम लोग सदस्य हैं, थोड़ी तो नैतिकता ईमानदारी हमें बचनी चाहिए, सामाजिक प्रतिबद्धता, देश प्रेम, कर्मठता, सब सब लोअर मिडिल क्लास। प्यून ने, मैं 2 करोड़ का रिश्वत ले सकती हूँ, तुम 2 रुपए का प्यून पर ब्लेम करेंगे, 2 रुपए का लेगा। प्रकृति के झरने के बाद भ्रष्टाचार का एक झरना है जो ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता है, तो सर्वाधिक ऊपर वाला खाता है, लेकिन ब्लेम 2 रुपए। अरे प्यून कितना खाता है भाई, एक प्यून कितना खा सकता है? तो शिक्षा मंत्री खा सकता, जाने दीजिए बात बिगड़ जाएगी, लेकिन छोड़ती हूँ। नौ धनाढ्य समाज, राष्ट्रीय सैंपल ने सर्वे किया है, और उस सर्वे में जीवन स्तर प्रस्तुत हुआ, और बहुत पहले की बात नहीं, 2-4-6 साल पहले की बात है। और प्रस्तुत किए गए आंकड़े दिखाते हैं कि गांव में 10% लोग, जो रोज का उनका खर्चा है वो 9 रुपए से भी नीचे है या 9 रुपया है, और यह संख्या 7 करोड़ लोगों की है।
ये बदलाव हुआ है। शहर में 3 करोड़ लोग ऐसे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यह तो केवल राष्ट्रीय सैंपल का सर्वे है, जो प्रतिदिन मात्र 11 रुपया, उन्होंने कहा ना कि 2 दिन का खाना भी नहीं मिलता है, मात्र 11 रुपए। और आप कैडबरी सिल्क खिलाते हैं बच्चों को और स्टेटस पे भी डालते हैं। मुझे बहुत शर्मनाक और बहुत अश्लील लगता है जो लोग फेसबुक पर और स्टेटस पे खानों का, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं आप जो स्टेटस डाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप ये मान रहे हैं कि आप बदल गए हैं? आप भारत नहीं है और 4 शहर भारत नहीं हो सकता। 4 लोगों को शोकेस में, जैसे हमारा ड्राइंग रूम होता है ना, मेहमान आता है तो हम लोग ड्राइंग रूम ठीक कर लेते हैं, बाकी हर चीज खाट के अंदर ढकेल देते हैं, रसोई में ढकेल देते हैं, बेडरूम में ढकेल देते हैं। ये शहर केवल भारत की बैठक है, चेहरा नहीं है उनका। तो ये है, तो 11-12 करोड़ तो यही हो गए, ये विकास का चेहरा नहीं है। बाजार का चेहरा विकास का हो ही नहीं सकता। उत्सव धर्मिता और फैशन परस्ती शहरों का दृश्य प्रपंच क्या हो गया? खंडी चेतना में जीने वाले ग्राहकों का मनोलोक है, यह केवल ग्राहक है। फ्रेडरिक जेम्सन एक बात कहते हैं कि उत्तर, और मुझे वो बहुत पटी, मतलब टिपिकल मुंबईया भाषा में कहूं तो बात मुझे सचमुच बहुत पटी। वो कहते हैं उत्तर आधुनिक की कला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह सपाट सतह अर्थ तक सीमित है। बिल्कुल, उसमें नए प्रकार का छिछोरापन है। एक कला विज्ञापन की संस्कृति अंग है, चमक है, सनसनी है, लंपटपन है। जिसको आप स्टेटस समझते हो, स्टैंडर्ड समझते हो, गुणवत्ता का सुधार समझ सकते हो, सिर्फ एक चमक दमक है, सजावटी है और लंपटपन है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो पूरे युग की नाटकीयता खत्म हो गई। ऐसा नहीं, मैं अकेली नहीं हूं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो जानते हैं कि हम लोग ग्रीन रूम में आ गए हैं, चेहरे का मेकअप उतर गया है। धूमिल बाप कहते हैं, लो संभालो अपना चेहरा। जुलूस के पीछे बिल्कुल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को शुक्रिया बहुत सारा। मैंने भी लॉकडाउन में देखा था और वही मैं रेफरेंस आपके, अभी भी किसी का कमेंट देखा मैंने लॉकडाउन में, मैंने देखा था कि लोग अपनी थालियां की थालियां और बहुत दावतें बना रहे हैं, स्टेटस रखते थे। मैं सोचती हूँ ये लोग मजदूरों का समाचार भी देखते होंगे, खून खराबे भी देखते होंगे, रोटियां बिखर गई, पैसे बिखर गए और 16 के 16 लोग रेलवे लाइन पे आके खत्म हो गए। जो घर बनाते हैं वो उन घरों में रहने का हक नहीं पाते। हम उनके भाई बंधु हैं, बचपन से हम पढ़ते हैं भारत मेरा देश और सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो सही है आप लोगों के कमेंट्स, और इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं साझेदारी कर रही हूँ आप लोगों से। मैं क्या मार्गदर्शन करूंगी, मैं उलट अपने में समाना कबीर की तरह देखूं इस समाज में, रेत पर भी मैंने बदलाव के लिए किया है। सही कह रहे हैं रविवीर सिंह जी, बिल्कुल। तो आजादी के बाद भारतीय समाज को जानने के लिए मैं बस कुछ किताबों का जिक्र करूंगी कि मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ कुछ विद्यार्थी भी होंगे जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। किताबें और भी होंगी पर मेरी एक सीमा है, जैसे भारत आजादी के बाद लोकतंत्र के 7 अध्याय, आप में से सर से आप कहेंगे तो मैं लेखकों के नाम भी दे दूंगी, भारतनामा, तीसरी फसल पिसाईना की, अंधेरे समय में विचार, उपभोग की लक्ष्मण रेखा, गरीबी और अकाल, आज का भारत, लोकतंत्र के सवाल, दर्शन की सामाजिक भूमिका और भारतीय जीवन दृष्टि, मोहनदास कहानी, मैलाचल, जल टूटता हुआ, राग दरबारी, हमारा शहर उस बरस, कलिकथा वाया बाईपास, गुजरात आई। मराठी पढ़ी नहीं है इसलिए नहीं बता पा रही हूँ, पर कुछ किताबें हैं जो हम लोगों को अनिवार्यता पढ़नी चाहिए और आपको खुद लगेगा कि आप भारत को समझ रहे हैं। किताबें केवल अक्षर और पेज नहीं होते हैं, सब जो ही आप हाथ रखते हैं किताब धड़कने लगती है और आप अपने समय के बीच पहुंच जाते हैं। आप जिंदा समाज, बदला हुआ समाज, समाज का धड़कता देखना चाहते हैं तो एक बार इन किताबों से गुजरिए और उस दिन आप मुझे शुक्रिया कहेंगे। तो मैं बहुत आसानी से
स्वीकार कर लूंगी। आज मुझे आप शुक्रिया कहेंगे तो मैं कहूंगी, एक लाइन कविता की है कि अगर कोई कविता को, दुख भरी कविता को पढ़ कर कहे वाह वाह क्या कविता है, उसे कविता की समझ तो हो सकती है लेकिन दुख की समझ नहीं। तो आइए हम मिलकर दुख को समझेंगे, 1% कुछ तो बदलेगा, देखते हैं। तो ये किताबें जरूर आप देखिएगा, कुछ फिल्में हैं, फिल्में और भी बहुत सारी होंगी लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि हम देखें, उसमें हम भारत को देख सकते हैं। आर्टिकल 15 है, आपने देखा होगा, मुल्क है, पीपली लाइव है, वीडियो ऑफ साइलेंस है। वीडियो ऑफ साइलेंस, आप कभी सोचते हैं कि भाषा शास्त्र में आपने आदि विधवा शब्द पढ़ा है क्या? यह भारतीय समाज का शब्द है, आदि विधवा कश्मीर का शब्द है, वहां हाफ मदर और हाफ वीडियो शब्द इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अब समय हो रहा है मैं रुकूंगी, इसलिए कभी हम लोग फिल्मों पर अगर बात करेंगे तो मैं जरूर आपको इस फिल्म की चर्चा करना चाहूंगी, वीडियो ऑफ साइलेंस की, कि भाषा शास्त्र में शब्द आया कहाँ से? आदि विधवा ये सामाजिक बदलाव के कारण आया है। कौन है आदि विधवा, कौन है आदि माँ? आप वीडियो ऑफ साइलेंस देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा क्या, लेकिन आपको मिलेगी नहीं। गाबरीचा पाउस, सोच भी भय, शुक्रिया शुक्रिया आप लोगों के मोहब्बत का। तो सोच के भी भय लगता है कि आत्महत्या नहीं की है उस व्यक्ति ने, लेकिन पूरा समय आप, पूरा परिवार तनाव में चल रहा है कि मेरा बाप, और एक छोटा बच्चा परछाई की तरह हाथ से लगा हुआ है। एक छोटे बच्चे को बाप की जिम्मेदारी सौंपी गई है कहीं वो आत्महत्या न कर ले, हर बात में इतनी तनाव भरी वो फिल्म है। ये हमारा सामाजिक बदलाव है। पी साईनाथ की तीसरी फसल का भी हमने जिक्र किया कि एक किताब है उसको पढ़िए, गाबरीचा पाउस देखिए और सैराट फिल्म देखिए, बस अंत देखिए, जहां सब कुछ ठीक है और अचानक हत्या हो जाती है। 4 दिन पहले मैंने न्यूज देखना छोड़ दिया है। कहीं किसी ने, श्री रंजन आउटे ने स्टेटस लगाया था एक 4 लाइन का रविश कुमार का, कि मतलब हत्या हो गई है प्रेमी प्रेमिका की, 4-6 दिन पहले की बात है, लेकिन हत्या करने के बाद भी मतलब शव की छाती पर कूद रहे हैं लोग। हमारे घरों के बच्चे होंगे ना ये, हमने बेटियों को पाल लिया, हमको बेटों को पालना ही नहीं आया। हमारे लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बेटों को कैसे पाला जाए। मैं किसी भी बच्चे की गलती नहीं देती। एक 20 साल का बच्चा अगर बलात्कार कर दे और मर्डर कर दे, मैं उसकी गलती नहीं देती है, हमने पैदा किया है। हम नहीं उस तरह का समाज पैदा कर पाए, हम नहीं बच्चों को बता पाए, हमने उन्हें अपराधी बनने दिया है। हमने शिक्षा का, आज हम रो रहे हैं शिक्षा के निजीकरण के, कब का कर लिया? अच्छी शिक्षा किसको है जिसकी जेब में पैसा है? न्याय किसको है जिसकी जेब में पैसा है, जो न्याय खरीद सकता है, महंगा वकील कर सकता है? बचने के चांसेस किसको है जो महंगे हॉस्पिटल में जा सकता है? ये सारी चीजें हम, और मुझसे तो बहुत बेहतर शब्द में अरुंधति राय लिख चुकी है सब। मुंशी पैटर्न, ये भी अद्भुत फिल्म है। मतलब देखिए, समाज एक जगह से नहीं, एक किसान मजदूर और हमाल बनता वो नहीं, एक संभावनाओं युक्त बच्चा कैसे बकासुर बन सकता है? इतनी ताकत, इतनी साहस, जमीन से इतनी मोहब्बत, और हमने क्या किया? ऐसे बच्चे को हमने इतना बड़ा गुंडा बना दिया कि उसकी जिंदगी की तमाम संभावनाएं खत्म हो गई। एक ऐसी फिल्म है जो समाज के, वो क्षेत्रीय सिनेमा, मराठी सिनेमा है लेकिन क्षेत्रीयता का अतिक्रमण करता हुआ संपूर्ण भारत पे प्रश्न की तरह छा जाता है और अंत होती है थप्पड़ से। और यह थप्पड़ हर उस किसान को है जो अपनी जमीन बेचता है, लेकिन जमीन बेचने का लालच आया कहां से? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बदलते भारत की तस्वीर आपको दिखा सकती हैं। मैं सिर्फ ऐसा प्रार्थना और सक्रिय प्रार्थना, मतलब बदलाव के लिए पहल भी करती हूँ कि जो किसान अंत कर रही हूँ, जो किसान पेड़ उगाए वो उसी पेड़ पर फांसी पर न लटक जाए।
ये हम लोगों के लिए बहुत दर्द भरा है। ये कहने सुनने से परे की चीज है, इसको कहना और वक्तव्य को अच्छा मान लेना तकलीफ देह है। ये सचमुच सचमुच हम लोग करें ऐसा कि कम से कम जो पेड़ गए उसी पेड़ पर न लटक जाए फांसी की तरह, कोई परिंदा बिजली की तार पर न लपट जाए, स्त्री की हंसी आर्तनाद न बन जाए। जो रोहित बेमुला चांद सितारों से प्रेम करता था, वो चांद सितारों से मिलने के लिए उनके पास न पहुंच जाए हमेशा के लिए। मरने से पहले हर नदी आवाज देती है, बहुत आवाज देती है, हम बचा नहीं पाते किसी नदी को। असली लोकतंत्र खुशहाल समाज में है और उसी समाजवाद में है जिस समाजवाद का सपना भगत सिंह की आंखों ने देखा था, जो उनकी आंखों में पनप रहा था तब भी, आज भी भगत सिंह की आंखों में पनप रहा है, आगे भविष्य में भी भगत सिंह की आंखों में पनपेगा। समय थोड़ा सा मायूस है, अनमना है, उदास है, फिर भी मुझे जवान बच्चों से बहुत उम्मीद है। मैं उम्मीद नहीं छोड़ती, बस उदास हूँ, उदास हूँ। बहादुर शाह जफर के शब्दों में अंत करती हूँ, ले गया लूट के कौन आज तेरा सब्र करार, बेकरारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसी तो न थी, बेकरारी ऐ दिल तुझे कभी ऐसी न थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद मैडम, खूप सुंदर विचार तुम्ही मांडलेले आहेत। खरोखर प्रत्येक भारतीयाला ते आत्मपरीक्षण करायला लावले पाहिजेत। परिवर्तन, स्वातंत्र्यानंतरचं सामाजिक परिवर्तन हा आपल्या व्याख्यानाचा विषय आहे आणि परिवर्तन नक्कीच आलेलं आहे 75 वर्षामध्ये, परंतु त्या परिवर्तनाची दिशा काय आहे याचा एक खूप अंगावरती शहारे आणणारा आलेख तुम्ही मांडलेला आहे आणि याच्यासाठी आपण प्रत्येकानेच आपापल्या स्वतःमध्ये झोकून आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे, कारण आपल्याला खूप सवय असते, जसं तुम्ही तुमच्या व्याख्यानामध्ये म्हटलं की आपण दोष द्यायला नेहमी तत्पर असतो, राजकीय नेते असतील किंवा व्यापारी असतील किंवा हे सगळे घटक त्याच्यासाठी जबाबदार आहेत, परंतु आपण कुठे त्याच्यामध्ये आपली भूमिका काय आहे, आपला रोल काय आहे, हे आपण कधीच आत्मपरीक्षण करत नाही। विशेषतः शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्व जे काही लोक आहेत त्यांनी ते आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे। आपण टीका करायला नेहमीच तयार असतो, पण त्या टीकेचा रोख कधीतरी आपण स्वतःकडे देखील वळवला पाहिजे, कारण आपली खरी भूमिका असते हा समाज घडवण्यामध्ये आणि बिघडवण्यामध्ये। जसं तुम्ही म्हटलात तसं नक्कीच एक उदासीनता आहे, परंतु आशेची किनार देखील आहे। हा तरुण युवा जो आहे त्याच्याकडनं आपण खूप अपेक्षा करू शकतो, कारण त्या तरुणाच्या जो आधार जो आहे तो भगतसिंगाच्या विचारांचा आहे, त्यामुळे ही अपेक्षा जी आहे ती नक्कीच आहे। परत एकदा खूप खूप धन्यवाद, इतक विचार करायला लावणारं व्याख्यान आपण आम्हाला ऐकण्याची संधी उपलब्ध करून दिली त्याच्याबद्दल। यानंतर आपल्या कार्यक्रमाचे 5व्या पुष्पाचे अध्यक्ष किशोर शितोळे सरांना मी विनंती करते की त्यांनी अध्यक्षीय मांडणी करावी। किशोर शितोळे सर, धन्यवाद। निर्मला जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हो ये थी सर जी, धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित शहीद भगत सिंह अध्यासन केंद्र आयोजित इस व्याख्यान माला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस व्याख्यान माला के आयोजक हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर सुधाकर शेंगिस्तर आज की प्रमुख व्याख्याता शशिकला राय जी, जिन्होंने बहुत अच्छे अपने विचार यहाँ पे रखे और हम सबको आईने में देखने के लिए मजबूर किया है। सच में बहुत सुंदरता से उन्होंने अपनी प्रस्तुति की है। मैं सभी सज्जनों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और ये शहीद भगत सिंह अध्यासन केंद्र का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने इस सारे बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके बहुत समाज में कुछ अभिसरण हो, समाज में कुछ वैचारिक सारस्य हो, ऐसे जो आप लोगों ने ये पवित्र विचार रखकर देश की आजादी, देश का हमारे भारत माता का अमृत महोत्सव इस साल है और उस पर हम अपने राष्ट्र को, अपनी भारत माता को
वैभवशाली बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे मंथन करने के विचारों से आपने इस कार्यशाला को रखा। बहुत सराहनीय आपका ये प्रयास है और मैं पहले ही आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जय शहीद भगत सिंह जी 12 साल के थे और तब जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, और वो हत्याकांड जहां हुआ वो देखने के लिए शहीद भगत सिंह जी 12 माइल पैदल चलकर, जब उनकी उम्र 12 साल की थी, पैदल चलकर वहां गए थे। और अंग्रेजों ने जिस तरीके से भारतीयों की हत्या की थी, जिस बर्बरता से अत्याचार किए थे, वो देखकर भगत सिंह जो के अंदर का देशभक्त भड़क उठा कि मेरा देश और मेरे देश में ये बाहर से आकर मेरे भाइयों को मारते हैं, ये कौन सी राजनीति है, और ये राष्ट्रभक्ति की आग लेकर हम सबने देखा कि भगत सिंह का सारा अगला जीवन मान चलता रहा। 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार चल रहा था और उस प्रदर्शन में जेम्स स्कॉट जो अंग्रेज अधिकारी थे मिलिट्री के, उन्होंने लाठी मार करवाया भारतीयों पर। बड़ी शांति से चल रहा था लेकिन लाठी मार किया और उसमें लाला लाजपत राय जी की हत्या हो गई। और इस विषय से भड़क और भगत सिंह जी की बढ़ गई और उनका क्रांतिकारक खून खौलने लगा और उन्होंने ठहराया कि जिसने ये हत्या की, जिसने ये गोली चलाई, लाठी मार किया, उस स्कॉट को की हत्या हम करेंगे। और आगे जाकर उन्होंने स्कॉट को तो नहीं मार सके, सैंडर्स को हत्या की और हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दिया। क्यों दिया? तो मेरा ये भारत माता मेरा देश है और मेरा देश को आजादी मिलनी चाहिए, ये बाहर के कोई आके मेरे देश को लूटे और मुझ पर राज करे, ये विचार नहीं चलेगा, हम आजाद चाहिए। इसके लिए कितनी आयु मिली थी उन्हें? केवल 24 साल की। लेकिन 24 साल की उम्र में एक नौजवान भड़कता है और हंसते हुए अपनी जीवन की अंतिम यात्रा अपने भारत माता के लिए कुर्बान करता है, ये हमारे लिए ऐसा गौरवशाली इतिहास, ऐसे बलिदानों से हमारे को स्वातंत्र मिला है, आजादी मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिली। लाखों करोड़ों भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी जैसे शहीदों ने, क्रांतिकारकों ने हमें यह आजादी दी है। आजादी क्यों चाहिए थी? क्योंकि ये हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है और हम अपने विचारों से जिएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह विचार हमको दिया था। यहां पर कुछ भी ना होते हुए हर भारतीय के मन में राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना जागृत कर शिवाजी महाराज ने ये हमारे स्वराज की जोत जलाई थी। और आगे शहीद भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इन सब ने मिलकर आज जो हम यहाँ अभिव्यक्ति स्वातंत्र में मैं जो कुछ बोल रहा हूं, इसका सर्वश्रेय इन मेरे शहीद क्रांतिकारकों को जाता है, जिनके कारण आज मैं इस 75 साल के बाद जिस स्थिति में स्वातंत्र की बात करते हुए गौरव से बैठा हूं, उसका पूरा श्रेय मेरे पुरखों को जाता है। दोस्तों, हम सब ने देखा है कि 1947 में हम स्वतंत्र हुए, आजाद हुए, और आज के विषय में आपने दिया था कि स्वातंत्र के बाद में सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ। एक कुछ पल मैं पहले बात करूंगा कि सामाजिक परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन हमारे पे हजारों साल से परकीय लोग आते, आक्रमण करते, हमें लूटते, हमारी संस्कृति मिटाने की कोशिश करते, हमको बांटने की कोशिश करते, हमारे पे आक्रमण करते रहे, फिर भी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता एक ऐसी वैभवशाली, ऐसी संपन्न व्यवस्था हमारी है जो एक
समय इस सारे पूरे विश्व को भाईचारा, शांति और ज्ञान का मार्गदर्शन करते आने वाली ये संस्कृति रह चुकी है। इस संस्कृति को लुटाने की कोशिश हुई, लेकिन इसको मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन कभी कोई प्रयास पूरा सफल नहीं हो पाया। और आज हम देखते आए कि आज हमारा कोरोना का संकट हो, या कहीं महामारी हो, कहीं महापूर हो, कहीं लैंडस्लाइड हो, एक जिस भी भारतीय पे हो, जिस पर भी कुछ बुरा समय आया हो, दूसरा भारतीय भाई उसकी जात, धर्म, पंथ बिना देखे अपनी औकात से जो मदद हो सकती है वो करने को, भाईचारा निभाने को आगे आया। हमारा देश, हम सबको गौरव लगना चाहिए कि हमने पहले इस कोरोना में संशोधन टीके का किया कोरोना पर, और आज 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में टीका देने वाला देश हम बन चुके। इसके साथ हमने औरों को भी दिया, क्यों? हमारी संस्कृति है। तो हम जब भी अपने संस्कृति की, देश की, विकास की बात करें, हमें देखना चाहिए कि हमें अच्छा भी क्या है, अच्छी चीजें क्या है हमारी संस्कृति की, सभ्यता की, हमारे आने वाली पीढ़ी की। शशिकला राय जी ने बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि हम इन चीजों को चेंज नहीं करते, एक्सेप्ट करते, ये दोष हमारा है, हम अपराधी है कि हम, उन्होंने बात रखी शिक्षा क्षेत्र की। शशिकला जी, मानना चाहिए आपको कि आपने सही बात को छुआ है कि आज हमारी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा क्षेत्र में हम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम कुछ बदलाव लाए, हम कुछ नई पीढ़ियों को ऐसा सबक दे कि जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को विकास की ओर ले जाए, भाईचारे की ओर ले जाए। ये हम करने में कम है, ये शशिकला जी ने हम सबको सही मायने में बताया, क्योंकि हम बुद्धिजीवी लोगों का ये कार्य है। आज हम बताया, हमने बताना चाहिए कि आजादी के बाद शिक्षा से परिवर्तन जो होता आया है उसमें बहुत बड़ा सहभाग शिक्षा का है, लेकिन वो पूरा नहीं है और बहुत सारा करने की जरूरत है, वो हमने करना चाहिए। आज जब भी हम अपना, मैं कभी कभी मैं ऐसे में बोलता हूं कि अपना घर होता है, 5-6 लोगों का एक फैमिली होती है, उस फैमिली में क्या कमियां नहीं होती? होती है। कोई गलत बर्ताव नहीं करता? करता है। हमारे पिताजी कुछ गलत करते तो क्या हम पड़ोसी को जाके बताते या आए मेहमान को बताते? नहीं, जब भी हमारे सामने कोई आता है हम अपने परिवार की अच्छी बातें रखते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी गलत बातों को हम छुपा दे, नहीं, हम आपस में बैठे चिंतन करें और हमारे घर में क्या गलत है उसको सुधारने की कोशिश करें। ये हमारे हर मानव के जीवन का विकास का, मुझे लगता है, आप सारे बुद्धिजीवी लोग हो, मैं आपका बहुत बड़ा एक विद्यार्थी हूँ संगे सर का, और का मैं, मेरे को वो अधिकार नहीं है, लेकिन शशिकला जी आपने जो कहीं बुद्धिवादी लोग हमारे घर का बड़ा जो है वो बताएगा कि बेटा ये बात गलत कर रहे हो आप अच्छे सुधारो, लेकिन जब मेहमान आएगा तब उस गलत बोलने वाले बेटे को हम ऐसा सामने प्रस्तुत कर दे कि नहीं नहीं देखो हमारा सोनू तो बहुत अच्छे घर के काम करता है। अब वो करता नहीं है, लेकिन जब वो हम बोलेंगे तो उस पर प्रभाव होगा कि अरे मुझे करना चाहिए, क्यों? ये पॉजिटिविटी सिखा रहे हैं, ये मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो आज हमारे देश को हमारे युवाओं के साथ सामने रखते समय हमें उन्हें बताना चाहिए कि बच्चों आज भी आजादी के बाद हमारी माता बहन लकड़ी के चूल्हे पे अपने आंखों को खराब करके जी रही थी, उसे आज भी चूल्हा जला के उसके शरीर पर होने वाले, उसके सेहत पर होने वाले बुरे पर जो परिणाम थे उसको भुगत रही थी। लेकिन आज हमारे देश में 9 करोड़ से ज्यादा माता भगिनियों को, पिछड़े गरीब वर्ग को गैस का चूल्हा पहुंचाया गया है। ये पॉजिटिव बात हमारे युवाओं को बतानी चाहिए। आज भी आजादी के बाद इतने साल हुए थे हमारे, हम जैसा आपने कहा कि हम सच में एक श्रीमंत वर्ग है, लेकिन पिछड़ा वर्ग की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये पिछड़े वर्ग में बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, आज 35 करोड़ एलईडी के बल्ब इन पिछड़े गरीब वर्गों तक पहुंचे हैं। टीकाकरण आज मुफ्त में 90 करोड़ का हुआ है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए कहां से आता है? आखिर एक आम इंसान के टैक्स से सब देश चलता है,
लेकिन ये करने वाला, ये मैं जैसे बता रहा हूं कि हमारा आधा ग्लास भरा हुआ है, ये बताना हमारा कर्तव्य बुद्धिजीवों का आज युवाओं के सामने। हर हाथ को काम, हर पेट को अनाज, ये योजना हमारी जो चल रही है ये पूरी नहीं है, इसे पूरा करने की जरूरत है। और इस पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने जैसे बताया कि फैमिली में हम अपनी बुराइयां बाहर नहीं बताते, कुछ तो भी सुझाव हम देते, तो जरूरी 100% पूरा कुछ नहीं होगा, लेकिन 90 है और 10% कम है, तो वह 10% पूरा करने के लिए क्या सोल्यूशन है। इन समस्याएं कोई हम तो पूरी लिस्ट पढ़ सकते, लेकिन समस्याएं पूरी करने के लिए सुझाव क्या है, ये देने का काम सारे बुद्धिजीवियों का काम मुझे लगता वो है, और वो इन बुद्धिजीवियों ने करना चाहिए, उनकी ये कर्तव्य है, और ये बताना चाहिए कि आप यहाँ पे गलत हो, उसका सोल्यूशन ये है। ये जब हम बताएंगे तो मुझे लगता है कि एक सामाजिक अभिसरण हमें जो अपेक्षित है वो होगा। आज हमें गौरव होना चाहिए कि आज हमारे देश के राष्ट्रपति, आज के हो पहले हो, पिछड़े वर्ग से है, जो आज देश का राष्ट्रपति बोल के नेतृत्व कर रहे हैं, तो सामाजिक समरसता, सामाजिक अभिसरण में आज देश के हमारे प्रमुख स्थान पर एक पिछड़े वर्ग का राष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति होती है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसके लिए निचले वर्ग में अभी भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। वो काम कौन करेगा, कोई गवर्नमेंट, कोई शासकीय प्रणाली ये पूरा 100% डेवलपमेंट या ये अभिसरण नहीं करती है। आज हम कह रहे थे कि जब कोरोना से इस प्रांत से उस प्रांत में नागरिक पैदल जा रहे थे, तो क्या गवर्नमेंट मिशनरी क्या कैपेबल है इतना करने में, वो कौन होते हैं, गवर्नमेंट में होने वाले भाई बहन हमारे ही तो होते हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती कि इस राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र का विकास करते समय इस शासन को हमने चुन के दिया है, उनकी मदद करके हमें इस राष्ट्र को खड़ा करने के सुझाव देने चाहिए। कान पकड़ने का समय है तो शासन का कान पकड़ना चाहिए, और उसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें राज घटना दी, जो वोटिंग का अधिकार दिया है, वो हमने जताना, और उसके लिए हमें एजुकेट करना। आज भी मुझे बहुत बुरा लगता है कि आज भी गरीब वर्ग को पैसे देकर वोट लिए जाते हैं। क्या हम ये उन तक शिक्षा प्रणाली पहुंचा के उनको उनकी वोट की कीमत, जो बाबा साहब कहते थे कि आपका वोट बिकना नहीं चाहिए, वो वोट आज हमने सिखाने के लिए हमें शिक्षा प्रणाली और उनका एजुकेशन करके उनको ऊपर खींचना, ये हमारी ड्यूटी है। आज आत्मनिर्भर भारत की चर्चा सब दूर हो रही है, आज पिछड़े वर्ग के लिए करोड़ों रुपयों की राशि दी जा रही है बचत गट के द्वारा माता भगिनियों के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा होकर उनको जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन करने का प्रयास इस आजादी के बाद हुआ है, ये बड़ा गौरवशाली है। कि आज हर राष्ट्रीयकृत बैंक को, मैं एक बैंक से जुड़ा हुआ हूं और मुझे पता है कि इसका कितना प्रेशर बैंकों पे है, कि ये योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, जरूर है कि वहां लीकेज होगा। जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया ऊपर से भेजता हूं तो नीचे पहुंचते पहुंचते 20 पैसे हो जाते, आज वो 80 पैसे हुए, आज वो 90 पैसे हुए, लेकिन वो 1 रुपया पहुंचना चाहिए, और उसके लिए हम सबकी ड्यूटी बनती है। ये कहां लीकेज है, ये बचत गट की 10,000 की, 50,000 की जो मुफ्त में राशि उस माता को खड़ा रहने के लिए, उस कुटुंब को खड़ा रहने के लिए दी जाने वाली, वो उस तक पहुंचाने की ड्यूटी जैसे गवर्नमेंट मिशनरी की है, वैसे हम बुद्धिजीवी वर्ग की है, हमारे हम जैसे एक्टिविस्ट की है। दोस्तों, शहीद भगत सिंह ने अपनी जान कुर्बान की थी, आज मुझे कभी कभी लगता है कि शायद भगत सिंह आज होते तो उन्हें बुरा लगता जब वो सुनते कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। आज ये बात अगर भगत सिंह ने अपना जीवन दिया, क्या ये सुनने के लिए दिया था, बलिदान उनका इस भारत को इकट्ठा रखकर आजाद करने के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया था। आज हमारे युवाओं के सामने हम बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि हम ऐसे विचार रखें, हम ऐसे सुझाव रखें, हम ऐसे मॉडल उनके सामने रखें कि ये भारत माता हमारी एक समय दुनिया को एक विश्व गुरु थी, दुनिया को सीखने वाली थी, उस भारत को, उस राष्ट्र को हमें बनाना है, और ये बनाने में इस देश का हर नौजवान जात पंथ धर्म से ऊपर उठकर एक भारतीय बनकर पहले देश को प्रेम करे और अपने पैरों पर खड़ा होकर इस जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे।
और ये कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी शासन की प्रणाली से जो जो योजनाएं आ रही है, आवाज नेट पे कुछ नहीं नहीं आ रही है, आ रही है आवाज आ रही है बोलिए। तो हम चाहते कि हमारे देश का हर भारतीय भारतीय बन के जिए, राष्ट्रभक्त, देशभक्त। आज हमें कोई गोली नहीं चलानी, आज हमें कोई तलवार लेके नहीं लड़ना है, आज हमें लड़ना है जैसे शशिकला जी ने कहा कि जो आज हमें जो सामाजिक अभिसरण है, जो ऊंच नीचता है, वो मिटानी है। और वो मिटाने के लिए कोई गवर्नमेंट जीआर नहीं मिटाएगा। हम और आप में, हमसे, मेरे से ही मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हम देश के भारतीय अपने से शुरुआत करेगा तो ये मुझे लगता है कि जरूर होगा। और जैसे आपने कहा कि इंसान ने इंसान के साथ इंसान के जैसे बर्ताव करना, ये इस व्याख्यान माला का आपका उद्देश्य रहा होगा, वो तब तभी सफल होगा। और हम अपने देश से प्रेम करके, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश का विकास, इसका चिंतन करके हमारे जीवन का हर कदम अगर चलता रहे तो हमारा भारत विश्व गुरु बने बिना रहेगा नहीं। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मुझे यहां पर बुलाया, तो आपके साथ आपका सुनने का मौका मिला, बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं आदरणीय शेंडगे सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और रुकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। निश्चितच स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांमध्ये आपला ग्लास जो आहे निश्चितच खूप भरलेला आहे। भारताने जी प्रगती केलेली आहे निश्चितच दैदिप्यमान म्हणावी लागेल। परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की अनेक आव्हान आपल्याला सर करायचे आहेत। सुशीतला मॅडमनी जसं सांगितलं की भारतामध्ये एकाच वेळेस अनेक युग राहत आहेत, तर ते युग जी आहेत तर ती त्या मागची कारणं काय त्याचंही आत्मपरीक्षण आपल्याला करावं लागेल। मला वाटतंय आजच्या पाचव्या व्याख्यानमालेच्या पाचव्या पुष्पामध्ये खूप अतिशय सुंदर एक मेळ साधला गेला की नाण्याच्या दोन्ही बाजू आपण बघितल्या पाहिजेत, काय आपलं अचीवमेंट आपण या 75 वर्षामध्ये केलेले आहेत आणि त्याचसोबत काय आव्हानं आणखी आपल्याला फेस करायची आहेत। तर दोन्हीकडे आपल्याला म्हणजे भूतकाळ न विसरता भविष्याचा वेध आपण घेत राहिलं पाहिजे। खूप खूप धन्यवाद सर, एक सुंदर व्याख्यान आमच्या सोबत तुम्ही शेअर केलं त्याबद्दल, आपला अमूल्य वेळ आम्हाला इथे उपलब्ध करून दिला त्याबद्दल। शशिकला मॅडम आणि शहीद भगतसिंग अध्यासनाचे संचालक सुधाकर शेंडगे सरांचे पण मी आभार मानते आणि अनेक प्रमुख सहभागी आजच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी त्या सर्वांचे मी आभार मानते आणि मला इथे सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दलही मी शेंडगे सरांचे आभार व्यक्त करते। इतके सुंदर व्याख्यान ऐकण्याची मला एक संधी प्राप्त झाली। कार्यक्रमाचे आणि 5 दिवसीय व्याख्यानमालेचे औपचारिक आभार मानण्यासाठी मार्गदर्शन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अंतर्गत शहीद भगतसिंह आदर्शन केंद्राद्वारे शहीद भगतसिंहाच्या जयंतीनिमित्त आयोजित 5 दिवसीय व्याख्यानमालेतील आज 5वे पुष्प ज्यांनी गुंफले ते या सत्राचे अध्यक्ष माननीय किशोर शितोळे सर, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद। सरांनी आज आपल्याला अतिशय मोलाचे मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल त्यांचे शहीद भगतसिंह अध्यासन केंद्राच्या वतीने मी खूप खूप आभार मानतो। तसेच या 5 दिवसीय व्याख्यानमालेच्या अंतिम सत्राच्या प्रमुख वक्त्या डॉक्टर शशिकला राय मॅडम पुणे, ज्यांनी देखील स्वातंत्र्यानंतरचे सामाजिक परिवर्तन या विषयावर शहीद भगतसिंह या विषयाला शहीद भगतसिंहाशी जोडून अत्यंत मोलाचे मार्गदर्शन आम्हाला केले, त्याबद्दल शहीद भगतसिंह अध्यासन केंद्र व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने मी त्यांचे हार्दिक आभार मानतो। तसेच ज्यांनी आपल्यासाठी शहीद भगतसिंहाच्या जयंतीनिमित्त 5 दिवसीय व्याख्यानमालेचे आयोजन करून अनेक महान विचारवंतांच्या वाणीतून महान विचार आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला,
असे श्रद्धेय गुरुवर्य मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉक्टर सुधाकर शेंडगे सर, संचालक शहीद भगतसिंह अध्यासन केंद्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद यांचे देखील मी अपना सर्वांच्या वतीने खूप खूप आभार मानतो. तसेच आजच्या सत्राचे ज्यांनी नियोजनबद्ध संचलन पार पाडण्याची महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभावली अशा सूत्रसंचालक गुरुवर्य डॉक्टर निर्मला जाधव मॅडम यांचे देखील मी शहीद भगतसिंह अध्यासन केंद्राच्या वतीने हार्दिक आभार मानतो. तसेच या 5 दिवसीय व्याख्यानमालेसाठी